हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू पैटर्न राइटेड एज रोमन नंबर 3. क्वेश्चन शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, प्लीज राइट द क्वेश्चन. शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form two cube and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. हमें क्या बताना है कि हर एक इवन इंटीजर, जो भी हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं वो 2q के फॉर्म में हैं और जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक. 2q and 2q plus 1 where q is some integer. स्टेटमेंट्स आपके पास में थोड़े ज्यादा हैं, प्लीज लिखना चालू करिए. जैसा जैसा मैं बोलते जा रही हूँ वैसा कॉपी करते जाइए. बता दिया था मैंने फर्स्ट डे ही कि ये थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर नेक्स्ट लाइन में let b is equal to 2. प्लीज लिखिए यहां पे b इज इक्वल टू 2. 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2q दिया है. 3q होगा तो 3 लेंगे, 4 होगा 4 लेंगे, उसी टर्म में चलेगा कि 2q है तो हमने लिया let b इज इक्वल टू 2. अब हम लोग लेंगे कि भाई अभी एक फॉर्मूला आपका पढ़ना बाकी है. यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं EDL. आप शॉर्टकट ही लिखेंगे, आपको पूरा आना चाहिए. बार बार लिखना है तो एक बार आप लिखकर फिर ब्रैकेट में EDL लिख सकते हैं. कैपिटल लेटर में आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा. इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी हैं. यूक्लिड डिवीजन लेमा एक अलग पार्ट है, जिसे हम अभी रोमन नंबर 3 पे हैं. ये अगला रोमन नंबर रहेगा रोमन नंबर 4, 5 जो भी चल रहा है आप लोगों का. अगर रोमन नंबर में मेरे से बोलने में गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज काइंडली एडजस्ट. ऐसा नहीं कि मैम आपने तो ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था, ठीक है मुझे याद नहीं है. कल जो भी हुआ उसके अगला रोमन नंबर आप ले लेना. EDL क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये कुछ नहीं है, देखिए आराम से मेरे पास एक टर्म है 5, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 रिमाइंडर कितना बचा 1. सिंपल पता है आप लोगों को. अब इसी को यहां पे कंपेयर करो, ए मतलब 5, बी मतलब 2, क्यू मतलब क्वेश्चन और प्लस आर मतलब रिमाइंडर. तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. कुछ नया नहीं लाया, नया सिर्फ उसका नाम है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये नाम आपने पहली बार सुना है. ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू ये क्वेश्चन प्लस डिविडेंडर, तो ये सब आपको पता है, ऑलरेडी आप जानते हैं. खाली नया वर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. हो गया
फिर हम लोग क्या लेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर, आर कितना रहने वाला है, आर शुड बी लेस देन टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। वापिस चलते हैं, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि टू क्यू इवन है और टू क्यू प्लस वन ऑड। उसके लिए हमने शुरू क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी की वैल्यू टू ले ली क्योंकि यहां पर सब जगह टू दे रखा है। फिर लिखा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज, आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होता है, कितना होगा, तो जिस चीज से डिवाइड कर रहा हूं उससे छोटा ही होगा ना, फिर होता है ना, तो डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, टू से, यहां पर भी हम किससे कर रहे हैं, बोले टू से, तो जो भी नंबर है वो टू से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा, क्योंकि रिमाइंडर आखिरी में आखिरी कितना हो सकता है, तो अगर हमारे पास में यहाँ पे फोर हो तो टू टू जा फोर, रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर कैन नेवर बी निगेटिव। तो हमने बोला रिमाइंडर आर, यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं लिखना है कि Q is question, R is remainder, no, आपको फॉर्मूला लिखना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to zero and less than two, two ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास पूरा नंबर टू के फॉर्म में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब R कितना हो सकता है, आगे लिखते हैं, R की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या R की वैल्यू वन हो सकती है, टू तो नहीं हो सकती, तो R इज इक्वल टू जीरो और R इज इक्वल टू वन, यहां तक हो गया। अब केस वन, व्हेन R इज इक्वल टू जीरो, पहला केस जब R जीरो है, तो A इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है, टू, A इज इक्वल टू टू क्यू। दूसरा, ये जगह छोड़िए, मुझे स्टेटमेंट लिखाना है, केस टू, व्हेन R इज इक्वल टू वन, तो A इज इक्वल टू B की जगह टू क्यू एज इट इज प्लस एज इट इज आर की जगह आ गया वन, ए इज इक्वल टू टू क्यू और ए इज इक्वल टू वन। अब आप लोग पहले कॉपी करिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाते हूं, आप लोगों का यहां तक कॉपी हो जाए। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी इज इक्वल टू टू, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r is greater than or equal to 0 and less than 2, ये इस तरह से लिखना है आपको। फिर ब्रैकेट में लिखना है r is equal to 0 और r is equal to 1, फिर वहां केस 1 और केस 2 लेना है कि r 0 है r 1 है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए a is equal to 2q which means that a is multiple of 2, है ना भाई, यहाँ पे 1 लिखोगे तो 2 1 जा 2, 2 लिख दोगे तो 2 2 जा 4, 3 लिख दोगे तो 2 3 जा 6, तो a is multiple of 2 which is an even integer, and hence 2q plus 1 is an odd positive integer। भाई अगर ये 2 है तो 2 plus 1 3 हो जाएगा, अगर ये 4 है तो 4 plus 1 5 हो जाएगा, ये 6 है तो 6 plus 1 7 हो जाएगा। जो भी है वो आपका थ्योरी का पार्ट आप लोगों को थोड़ा ज्यादा लिखना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सारे सिमिलर सिमिलर ले रहे हो, शो डैट मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, आप चिंता मत करिए, कोई चीज कम ज्यादा आगे पीछे सब कवर अप हो जाएगी, चिंता मत करना। शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोला है और इवन कुछ नहीं बोला। शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q। ठीक, चलिए पहला स्टेटमेंट, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब बी कितना लेना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना है 3q, 3q+1 और 3q+2, तो हर जगह 3, 3, 3, तो लेट बी इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट लाइन में अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ईडीएल A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सब कुछ है। फिर ये लाइन वेर आर इज, ऐसा लिखना है वेर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला एज इट इज, और यहां पे नंबर क्या आ जाएगा 3। सेम चल रहा है, कुछ नया नहीं दिया मैंने। अब आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 2, भाई 3 से छोटा रखना है और 0 और 0 से बड़ा, तो 0, 1 और 2। फाइन, अब केस 1 व्हेन आर इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 3q। केस 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 3q+1। केस 3 when r is equal to 2, a is equal to 3q+2, ये वाला 3q+0, 3q+1, 3q+2। statement, this shows that बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक, अभी थर्ड लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वर्ड बीच में एड ऑन करिए ऑड, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। क्या स्टार्ट करोगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी इज इक्वल टू, यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा 4,
बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं मजा आ गया, तो इजी लग रहा है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन करना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज चेंज करके 4 आ गया, यहां पे 0, 1, 2 और क्या जाएगा 3। चलिए यहां पे अब तो पता चल गया इसकी हमें, ऐसा बन सकते हैं व्हेन आर इज इक्वल टू 0 ए इज इक्वल टू 4 क्यू, व्हेन आर इज इक्वल टू 1 ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1, व्हेन आर इज इक्वल टू 2 ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2, केस 4 When, जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार लिखिए, when r is equal to 3 a is equal to 4q plus 3, हो गया। स्टेटमेंट नीचे लिखना पड़ेगा, सो 4q एंड 4q plus 2 r even integers as 4q is multiple of 4, 4 ones are 4, even, 4 twos are 8, even, 4 threes are 12, even, 4 fours are 16, even, 4 fives are 20, even, तो ये even है, तो definitely even के साथ एक करोगे add तो क्या हो गया odd, फिर 2 add किया तो even, 3 add किया तो odd, तो पहले इवन खत्म करिए, सो 4q एंड 4q प्लस 2 आर इवन एज 4q इज मल्टीपल ऑफ 4। अब लाइन चेंज करिए क्योंकि हमारा आंसर अब आएगा, देयरफॉर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। चलिए एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का आप अपने आप करेंगे, सेम रहेगा यह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, ऑड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। चलिए नेक्स्ट ले रहे, वो भी टेक्स्ट बुक का ही है बट मैं खुद सॉल्व कर रही हूं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, रिमेंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज से लेके फाइनल एग्जाम तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हो गया, हाँ क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1। आपको अपने आप समझ जाना चाहिए क्यू का है, वो क्या है ना, वो सब एक जैसे क्यू क्यू वाले चल रहे थे, 2q 3q 4q 6q, यहां पे कौन आ गया, m आ गया, एक नया वर्ड, दूसरा नया वर्ड आ गया स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सेम रहेगा, क्या चीज,
कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये आपका सेम रहेगा, बी इज इक्वल टू 3, ये भी सेम रहेगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी सेम रहेगा, यहां तक आपके पास में कोई चेंजेस है ही नहीं, जैसा हमारा चल रहा है वैसा का वैसा करिए, हो गया। उसके बाद में आर भी ऐसे लिखना है, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन, तो लेस देन डेफिनेटली हमारे पास ए की वैल्यू है 3, इसका मतलब r की वैल्यू हो गई r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई चेंजेस हमने यहां तक करे नहीं, है ना। अब केस भी हमने चालू कर दिया, व्हेन केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, बट अब चेंज क्या करना है वो समझिए, चेंज ये है कि हमारे पास में स्क्वायर बढ़ गया, तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसे ही नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लेना है हमें, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 क्यू प्लस 0 खत्म का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हुआ, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, पता चल रहा सिंपल स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि वर्ड हमें स्क्वायर ऑफ दे दिया, तो हमने यहां पर भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी टर्म हो, जो भी, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ 3n, तो मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, 3 क्यू स्क्वायर, क्यों करा, क्योंकि मुझे 3m चाहिए, सिंपल सी बात, तो 3m लेने के लिए मैंने यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर कॉमन कर दिया, क्या बचा। अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट डालेंगे, मैं यहाँ पर लिख लू वापिस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यू का, सिर्फ 3 क्यू का स्क्वायर, नाउ लेट 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m, ये जो 3 क्यू स्क्वायर है इसे m के बराबर ले लो, तो a स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, तो हमें प्रूफ करना था कि इसका स्क्वायर 3m के बराबर है, हो गया, बढ़िया बात हो गई। चलिए अब केस 2, हमें ये तीनों केस लेना कंपलसरी है, जितना यहाँ है, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 10 हो तो 10, लेना तो पड़ेगा। केस 2, when r is equal to 1, a is equal to b q plus 1, और फिर क्या कर देने का है हमें, स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाना, आइडेंटिटी खा गए, नंबर भी खा गए, a प्लस b का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वापिस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 का स्क्वायर, 9 q का स्क्वायर सॉरी, प्लस 1 प्लस 3 2 6 q, अरेंज करते हैं इसको थोड़ा सा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, अरेंज कर दिया 9 क्यू स्क्वायर फिर क्यू वाला फिर ये वाला, इसमें से मुझे तो खाली क्या चाहिए, 3m प्लस 1, प्लस 1 तो नहीं लिया, खाली इसमें से 3m चाहिए, तो 3 कॉमन, अंदर बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, क्यू कॉमन मत निकाल लेना, मुझे क्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3m चाहिए, तो मैंने सिर्फ 3 निकाला है, बाकी पूरा एज इट इज, और यहाँ पे लिखी है लेट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m, हम क्यू कॉमन निकाल सकते हैं बट हमें चाहिए ही नहीं, निकालने का ही नहीं, इस पूरे को m ले लो, कितना बचेगा 3m प्लस 1, काम खत्म, दो केस हो गए, थर्ड और बचा है,
थर्ड और ले लें, व्हेन आर इज इक्वल टू टू केस थ्री, तो ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इट इज नाइन क्यू स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व क्यू प्लस फोर। अब ये गड़बड़ है, मुझे फोर नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए है वन, मुझे वन ही चाहिए, मुझे मेरे आंसर को कैसे भी घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के वन ही लाना है, फोर नहीं लाना। चेंज करिए, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस फोर, मतलब लिख दिया हमने थ्री प्लस वन, क्योंकि मुझे तो वन चाहिए, हमने लिख दिया थ्री प्लस वन। अब इस पूरे में से आगे वाले में से क्या कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ थ्री, थ्री अंदर बचा, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, ये वाला वन है और ये वाला आपका प्लस वन बाहर। अब क्या लिखेंगे, लेट थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन इज इक्वल टू एम, और फाइनल आंसर थ्री एम प्लस वन। हमारे को सिर्फ दो फॉर्म चाहिए, थ्री एम और थ्री एम प्लस वन, तो पहले वाले का थ्री एम, दूसरे वाले का थ्री एम प्लस वन और तीसरे वाले का भी थ्री एम प्लस वन। ठीक, नेक्स्ट वाला, फिफ्थ वाले की शुरू स्टार्टिंग में आप लोगों को करके दे रही हूं, ट्राई करिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे कंटिन्यू करूंगी फिफ्थ वाला। अभी सिर्फ आप लोगों को ये कि एक बार ट्राई खुद भी करिए, पर हाँ कैसे करना है वो मैं बता रही हूं। यहां पे हमें दिया है क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, क्यूब चाहिए। पहला स्टेटमेंट हुई लेट a इज इक्वल टू जो भी है, b इज इक्वल टू वहां पे 9 दिया है और क्यूब के टर्म्स में हमें चाहिए। अगर हम 9 का क्यूब करने जाएंगे तो 9 9 81 और 81 इंटू 9 डेट इज 729, बहुत बड़ा नंबर हमारे पास में हो जाएगा। तो हम लोगों को तो 9 से मतलब है, 9 तो हमें 3 के टेबल में भी मिल जाता है, तो हम लोग यह छोटा करने के लिए ध्यान रखिए इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम लोग इसमें ले रहे हैं लेट b इज इक्वल टू 3। तो अपने आप यहाँ भी, और अगर आपने 9 ले लिया तो देखो 9 लिया तो फिर केस भी कितने हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बाप रे इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर 3 लोगे तो खाली 0 1 2 सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज योर चॉइस कि तुम्हें अपने कम टाइम में 2 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा लिखना है, 9 बार सॉल्व करना है या 3 बार में अपना काम करना है। b इज इक्वल टू 3, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा, आर 0 1 2, ये सब कुछ आपको आता है। अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन काय के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में, इट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 3 27, क्यू क्यू मुझे रिप्रेजेंट करना है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, आई थिंक यस 9m प्लस 8, तो पहला वाला मेरा रहेगा 9m, कॉमन डेफिनेटली 9m चाहिए, 9 कॉमन निकालो, अंदर 3 क्यू क्यू, नाउ दिस लेट दिस इज इक्वल टू एम, आंसर आ जाएगा 9m। सेकेंड और थर्ड अपने आप करने की कोशिश करिए, ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² जो भी है ट्राई करिए, वरना केस 2 और केस 3 में कल कंटिन्यू करूंगी। चलिए आज के लिए बाय।